स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों SBI के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड्स चलाए जाते हैं, उनमें से तीन टॉप क्लास जो म्यूचुअल फंड्स हैं आज मैं आपको उनके बारे में फुल रिव्यू बताऊंगा और देखेंगे दोस्तों हम कि अगर इनमें से किसी एक फंड के अंदर हम 50,000 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो अलग अलग टाइम पीरियड पर हमें कितना पैसा प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति भी बना सकता है अगर आप कंटिन्यू किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाकर छोड़ देते हैं। वैसे आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो फंड्स और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 1.5 से 2% का बेनिफिट उसी दिन से ले सकते हैं जब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है इसके बारे में भी मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला फंड जिसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, वो है SBI का सबसे बेहतरीन फंड जिसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक ऐसा फंड है, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 24.24% के रिटर्न्स मेंटेन किए हैं। पिछले 5 साल में इसने 29.03% के रिटर्न्स मेंटेन किए हैं, यानी अगर 5 साल पहले हमने इसके अंदर पैसा लगाया होता तो ऑलमोस्ट 29% से हमारा पैसा ग्रो हो रहा होता। यही कारण है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमें FD, RD, PPF इन सब से 2 गुने या 3 गुने रिटर्न्स आसानी से मिल जाते हैं। पिछले 3 साल में भी इस फंड ने दोस्तों गजब के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, जो है 35.42% के रिटर्न। पिछले 1 साल में इस फंड ने 49.41% के रिटर्न्स दिए हैं और दोस्तों अगर हम बात करें पिछले 1 महीने की तो पिछले 1 महीने में भी इस फंड ने 7.47% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसा इस फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, HCL हो, TCS हो, सभी कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड है जो एक पर्टिकुलर थीम के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं उन्हीं के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों जैसा आप यहां पर देख सकते हैं कि ओवरऑल इस फंड ने 24.24% के रिटर्न्स दिए हैं, तो अगर हम ये मानकर चलें कि आगे आने वाले टाइम में ये 15% के रिटर्न्स भी हमें दे देता है, यानी जो अभी रिटर्न्स इसने ओवरऑल प्रोवाइड कराए हैं उससे 9% कम भी अगर हमें रिटर्न दे देता है तो हमारा पैसा दोस्तों 50,000 रुपये जो हम एक साथ इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ेंगे वो बढ़कर 8,18,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 7,68,000 रुपये का दोस्तों इसके अंदर हमें रिटर्न मिल चुका होगा अगले 20 सालों में। अगर मैं बात करूं दोस्तों 5 साल की, तो 5 साल में 15% के हिसाब से हमारा पैसा डबल हो जाता है। 50,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट और 50,568 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न, फाइनल हमारा जो अमाउंट होगा वो 1,568 रुपये होगा। तो इसमें दोस्तों 50,568 रुपीज़ जो है इसमें से सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसका डिडक्शन होगा और फाइनली अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं अगले 30 सालों तक तो हमारा 50,000 रुपये दोस्तों बढ़कर हो जाता है 33,10,000 रुपये के आसपास, क्योंकि 32,60,000 रुपये के आसपास हमें दोस्तों इसके अंदर रिटर्न्स मिल चुके होंगे मात्र 15% के हिसाब से, जो अभी इसके ओवरऑल रिटर्न से लगभग 9% कम पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर ये हमें 20% के रिटर्न दे देता है तो मात्र 20% के हिसाब से 50,000 रुपये हमारा बढ़कर 1,18,00,000 रुपये हो जाता है अगले 30 सालों में, और 5 साल की अगर हम बात करें तो 20% रिटर्न के हिसाब से भी 50,000 रुपये हमारा बढ़कर 1,24,000 रुपये हो जाता है। 10 साल की अगर हम बात करें तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 3,09,000 रुपये हो जाता है। तो हम कम से कम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, मात्र 15% के रिटर्न्स के हिसाब से ही हमने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं। जो SBI का दूसरा फंड है वो है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ये भी दोस्तों बेहतरीन फंड है, इसने ओवरऑल 16.31% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 18.43% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 20.07% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 27.18% के रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें पिछले 1 महीने की तो ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल है, पिछले 1 महीने में कोई रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं। अब ये दोस्तों कैसा फंड है, फंड की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो ये फोकस्ड फंड है। अलग अलग कैटेगरी के जैसे सेक्टोरल फंड्स होते हैं, फोकस्ड फंड होते हैं,
थीमेटिक फंड्स होते हैं, उसी तरह से ये फोकस्ड फंड है, यानी एक पर्टिकुलर टारगेट को फोकस्ड करके इस फंड को बनाया गया है। इसके अंदर दोस्तों आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी मंथली बेसिस पर SIP भी आप कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन सभी फंड्स के अंदर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये फंड किन कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, ये दोस्तों कुछ एक फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनी है उनके अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स के अलावा दोस्तों जो अल्फाबेट क्लास ए है, इसके अलावा मुथूट फाइनेंस इंडियन कंपनी है, डिवीज लेबोरेटरीज इंडियन कंपनी है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये सभी दोस्तों जो मिक्स कंपनीज हैं, कुछ इंडिया की और कुछ बाहर की, उन सभी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तीसरा फंड जो है दोस्तों SBI के अंदर, वो बेहतरीन फंड है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसने ओवरऑल 17% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने 15.38% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है, पिछले 3 साल में इस फंड ने 19.38% को मेंटेन किया है, पिछले 1 साल में इस फंड ने दोस्तों 29.15% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 महीने में दोस्तों इस फंड ने 3.85% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो ये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसा इसका नाम है वैसे ही दोस्तों इस फंड के अंदर जो पैसा इकट्ठा होता है ये उस पैसे को उसी तरह से डाइवर्सिफाई करता है, यानी कुछ एक लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और कुछ एक दोस्तों ये मिड कैप कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज़्यादा ये फंड्स वोलेटाइल नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते चले जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें किन कंपनीज़ के अंदर ये फंड के जो मैनेजर हैं वो पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे ICICI बैंक, पेज इंडस्ट्री, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, द इंडियन होटल कंपनी, नोवोको विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्फोसिस, इमामी लिमिटेड, ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर जो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। इस फंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फंड के अंदर जो टोटल इसका फंड साइज है वो 5800 करोड़ से भी ज़्यादा का है। अब बात आती है दोस्तों कि इस फंड के अंदर हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, ज़्यादातर के अंदर दोस्तों, आप मंथली बेसिस पर SIP भी कर सकते हैं, यानी छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। अगर हम SIP की बात करें तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं और ऊपर जितना आप चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में मिनिमम 5000 रुपीज़ और ऊपर जितना चाहें आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हम 1.5 से 2% या 2.5% कैसे बचा सकते हैं। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर खुद से इन्वेस्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्ट कर दें खुद से। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी मीडिएटर के द्वारा, यानी जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्ट कर दें। अगर आप किसी मीडिएटर के द्वारा इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसके तहत आपके फंड की ग्रोथ से 2 से 2.5%, 1.5 से 2.5% के बीच का जो हिस्सा है वो उस एजेंट को चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, तो उस केस में जो भी आपका फंड ग्रो करेगा उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। तो आप ग्रो के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ज़ीरोधा के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको इनमें से कोई एक फंड सर्च करना है, उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर वो फंड दिखेगा। अब आप उस फंड के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और चाहे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें चाहे आप SIP करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों चीज़ें नेट बैंक आपके मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। तो जिन तीन फंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, पहला फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, और तीसरा है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। धन्यवाद।